मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को बहुत ही प्रेम भरा बधाई। यीशु के नाम से मैं बताता हूँ, जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज और फेसबुक में मिले हुए बहुत सारे परिवारों को प्रभु के सम्मुख में रखकर जब जब आपको स्मरण करता हूँ, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए आप तैयार हैं। उसकी आवाज़ ही जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उसके वचन में उसकी आवाज़ है। आज उसके वचन को हम जरा देखें। मेरे प्रिय लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 5:14 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर आपको वचन यह बताता है कि तुम इस जगत की ज्योति हो। एक जमाने में मैं आशीष रहूं, मुझे ये आशीष मिले, मेरे परिवार में मेरे बच्चों को एक छोटा सा गोला बनाकर अपने जिंदगी को उस गोले में रखकर जो है थे, पर परमेश्वर ने उसको बदल कर अब जो है एक बहुत बड़े गोले में रख दिया है। मेरा दुनिया, यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हम इस जगत के, तुम इस जगत की ज्योति हो। यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक हो तो आपके अंदर जो ज्योति हो वो प्रकाश में होगी। जहां तक वो प्रकाश उजाला रहे वहां से अपने आप अंधकार हटता जाएगा। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यशया 60:20 में कहा गया है कि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। आखिरी दिनों में हमें परमेश्वर की महिमा हो। हमें जो उठकर प्रकाश में होने के जमाने में हम आ गए हैं। अभी आपके अंदर जो अभिषेक है वो आपके अंदर रहे वह काफी नहीं है। आपके अंदर से वह और जल कर पूरी तरह चारों तरफ फैल जाए। एक घर में अगर आग लग जाए तो क्या एक ही घर जलता? नहीं नहीं, वो फैलने लगता है। हवा उसे फैलाती है। जिस जिस दिशा में जो वो आग फैलने लगती है पूरा जो है फैलने लगता है। अभिषेक वही करता है। प्रेरितों का काम 2 में हम देखते हैं पूरी तरह से अभिषेक जो है सभी लोगों को फैल जाती है। तो आपके अंदर वो अभिषेक है तो सभी लोगों को, सभी परिवारों को आप आशीष बनकर रहोगे। तो आप अपने आप को बिल्कुल नीचा मत समझिए। परमेश्वर की आत्मा आपको भरेगा, उसका एक विचार है। हे परमेश्वर, इस नगर को दो, इस शहर को दो, मेरे लोगों को दो। जब तुम प्रार्थना पे प्रार्थना करते रहोगे तो जगत की ज्योति आपको बना देगा। आप जगत की ज्योति जब बदल जाओगे तो आपके कारण बहुत सारे लोगों में जो है मसीह, जो ज्योति है, आपके अंदर प्रकाश में होगा। यीशु ने कहा कि मैं ही ज्योति हूं, मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। तो अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपके अंदर आज के दिन से एक आत्मा भार आने वाला है। जो नाश हो रहे हैं उन आत्माओं के लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर के नाम से आपके गली में जो लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, सभी लोगों के लिए आप प्रार्थना करने वाले हो। आपका प्रार्थना जो है फलदायक होने वाला है। प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। आप क्या प्रार्थना करोगे? हाथ उठाकर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्यारे परमेश्वर, इस सुबह के वक्त हे परमेश्वर, इस जगत की ज्योति है ऐसा आपने कहा है। उस रोशनी, उस ज्योति का रहस्य अभिषेक है, अनॉइंटिंग है परमेश्वर। उस ज्योति को हम पाए, वही ज्योति जो अंधकार में लोग हैं उनको भार लेकर आने के लिए सहायता कर। जो जो मेरे हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं वे वैसे ही बदल जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। एक आत्मिक भार तेरे बच्चों के अंदर हो रहा है, इसी तरह धन्यवाद हो। ठीक उसी तरह घर के अंदर जो लोग हैं, एक भी बिना उद्धार पाए न रहे, वह घर जो है प्रार्थना का घर बनकर रहे। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर को धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, आपने इस आवाज को सुना, इस वचन को सुना, कितने लोगों को यह नहीं मिल पा रहा है, आप एक काम कीजिए, उसे जरूर शेयर करें, ठीक है? और वे भी दूसरे लोगों को जब इस आवाज को सुनेंगे तो वे भी ज्योति को पाएंगे। दूसरी बात, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जीसस मीट्स उस चैनल को जरा सब्सक्राइब करें। हर दिन सुबह में जो इस आशीष भरे वचनों को आप सुन सकते हो, शाम के समय में जो है यूट्यूब चैनल में जो है बाइबल से कुछ बातें आपको सिखाई जाएंगी। परमेश्वर की स्तुति हो। और आशीषों को आप पाते रहोगे।
गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।